मैं अशोक वाटकर हिंदू सेवा समिति के अध्यक्ष यादगिर यहाँ पर हमारे हिंदू सेवा समिति के अवसर हर साल दसरा उत्सव मनाया जाता है। इस बार भी हम दसरा उत्सव मनाए जा रहे हैं। इस बार का दसरा उत्सव स्पेशल है, विशेषता है। क्या विशेषता है? कोरोना का वैक्सीनेशन प्रोग्राम डाला हुआ है। हर रोज शाम के 8 बजे से रात के 11 बजे तक कोरोना का वैक्सीन डांडा खेलने को जो जो भक्त लोग आते हैं उनको वैक्सीनेशन का कार्यक्रम करे स्वयं और उसे स्क्रीनिंग टेस्ट भी करने का योजना बनाई है। ये एक स्पेशल है। दूसरा, इस बार दसरा उत्सव में जो है जम्बू सवारी का आयोजन किया है। हाथी के ओर से जम्बू सवारी किया गया है। ये जम्बू सवारी हमारे कर्नाटक में मैसूर में की जगह होता था, इस बार यादगिर में भी जम्बू सवारी हो रहा है। इसका हमारा हम सबका कुछ ना चाहिए कि हमारा यादगिर का जम्बू सवारी एक मिनी मैसूर जम्बू सवारी बोले तो कोई गलत नहीं। सो तीसरी बात, रोज हमारे पास दोपहर में गरीबों के लिए खाना अन्न संतर्पण कार्यक्रम किया जाए, वो भक्त लोगों के तरफ से भक्त लोगों के ओर से आयोजन किया गया है। हर एक भक्त अपने अपने हेल्प से, अपने अपने फाइनेंशियल असिस्टेंस से वो जो आयोजन किया गया अन्न संतर्पण कार्यक्रम। सो इसमें गोर गरीबों को किया जाएगा। और उसमें दूसरी बात क्या है, तो हॉस्पिटल में भी हम पेशेंट को, पेशेंट के नीचे रहने वाले को भी खाने का इंतजाम करने का आयोजन भी किया गया। सो इस तरह से अनेक कार्यक्रम हम आयोजन किए गए। उसके साथ ही युवा मित्र लोगों के लिए क्रिकेट और कैरम और रंगोली कॉम्पिटिशन ये सब किया गया। इन सभी लोगों को और भक्त लोगों को जो महादानी है, दानी है, जो दान दिए हुए, जो समिति को जो सहायता दिए हुए, उन लोगों के लिए 14 तारीख के दिन कन्या पूजा के दिन उस दिन जो सम्मान कार्यक्रम किया, सम्मान कार्यक्रम का आयोजन किया जाए। और उस दिन स्वामी जी लोग आएंगे, अभिनपुर जी के अभिनपुर के श्री गंगाधर महास्वामी जी आएंगे, उनके ओर से आशीर्वचन के साथ साथ इन उनके ओर से, उनके यहाँ अमृत से इन लोगों को जो साधना है, जो कॉम्पिटिशन में जीते हैं, जो दानी है, दान किए हैं, उन लोगों को सम्मान करके हम कृतज्ञता भावना समर्पित करने की योजना की है। जम्बू सवारी कहाँ से कहाँ तक जाएगी? ये जम्बू सवारी जो है भवानी मंदिर से लेकर कोर्ट के अपोजिट में कालिका माता मंदिर है, वहाँ तक आए, बनी मंडप तक आए, फिर वहाँ से वापस फिर भवानी मंदिर को आएंगे। ये मोर्चा ये क्या तारीख को रहेगा? वो ये 15 तारीख को शाम के 6 बजे रहेगा कार्यक्रम। इस 15 तारीख को शाम के शोभा यात्रा को यादगिर के MLA साहब श्रीमान वेंकट रेड्डी गौड़ा मुद्दा साहब आके उन्होंने उद्घाटन करने वाले हैं और उन्होंने सरकार से योजना बनाई। अच्छा, सवारी में कितने पब्लिक कितना रहेगा? रहेगा गवर्नमेंट का लिमिटेशन के हिसाब से 200 से 400 के अंदर रहेंगे। गवर्नमेंट गाइडलाइंस के मुताबिक कोरोना के नियम के पालन के तौर पर हम सब कार्यक्रम आयोजित किए। ನಮ್ಮ ಎಡಬಾಯಕ್ಕೆ ಬಂದ ಶ್ರೀಮಾನ್ ಸಚಿನ್ ಸುರೇಶ್ ಖಜಾಂಚಿಗಳು, ಈ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಬಂದ ಬರವಾಗಿ ಬಂದ ಯುವ ಮಿತ್ರ ಶ್ರೀಮಾನ್ ರಾಜು ಒಡೆ ಸರ್ಕಾರ ನಡೆಸಿದ್ರು, ಮತ್ತು ನನ್ನ ಎಡಭಾಗದಲ್ಲಿರುವಂಥ ಮನೆಯ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿರುವಂಥ ನನ್ನ ಮಿತ್ರರಾದಂಥ ಚಂದ್ರಕಾಂತ್ ಮಡಿವ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ.